ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला तथा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा क्या नवीनतम ऑफिस ऑर्डर या नोटिस या रिक्रूटमेंट से संबंधित कौन सी जानकारियां प्रेषित की गई है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है 2/9/2020 को। इसमें कहा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके इस नोटिस के उपरांत ही आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको किस तरह से आगे अपनी तैयारी को और भी शार्प करना होगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो एडवर्टाइज्ड, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। HPSC का कहना है कि जो एडवर्टाइज्ड जो वैकेंसीज हमने अभी तक एडवर्टाइज्ड कर दी गई है, उनमें क्या होगा, इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द प्री अवेंडेड सिलेक्शन प्रोसीजर, जो इनकी रिक्रूटमेंट की क्या है, कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपको उस वीडियो में बताया था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा बहुत सी वैकेंसीज के लिए जो रिटन टेस्ट इनका होता था उसके 85% मार्क्स आई थिंक जोड़ने का उन्होंने निर्णय वहां पे लिया था, जहां तक मुझे याद है। थोड़े से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास ही आप एक सेपरेट वीडियो उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। मतलब इस वीडियो में कहने का आपको यही तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा इससे पहले जो रिटर्न के मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, अब वो भी जोड़े जाएंगे। और उसके बाद आपका आगे उन्होंने रखा है थोड़ा सा आपको कि उसमें इंटरव्यू बेस्ड इस तरह से रखा हुआ है जिसमें आपको हल्का और परफॉर्मेंस भी देना होगा, फिर आपकी इकट्ठी मेरिट बनेगी। इससे पहले क्या होता था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में रिटर्न जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता था, उसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते थे और बहुत से अभ्यर्थियों का आरोप लगता था कि इंटरव्यू के आधार पे ही या फाइनल जो उनका क्राइटेरिया उसी आधार पे सिलेक्शन करना अच्छा नहीं है। तब इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो उसके अंडर जितनी भी वैकेंसीज आती है उसके लिए कमीशन का कहना है कि उनके ऊपर भी वो अप्लाई होगा। ऐसी वैकेंसी जिन्हें पहले पब्लिश कर दिया गया है, एडवर्टाइज्ड कर दिया गया है, उनके ऊपर भी ये नियम मान्य होंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब देखिए आपको अपनी तैयारी में क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा रिटन टेस्ट की तरफ हमें ध्यान देना होगा। यदि रिटन टेस्ट में आपकी अच्छी मेरिट बन जाती है, आपका अच्छा स्कोर बन जाता है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सरकारी नौकरी लेने से नहीं रोक सकती। अब आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे से उसे मजबूत करना होगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। ये एक ऐसी किताब है जो हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इस किताब में उपलब्ध करवाने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस किताब में आपको 10,000++ का क्वेश्चन बैंक मिलता है जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी भी छोटी बड़ी नौकरी के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक माना जा सकता है। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हो, गिरा समाचार पत्र का सारांश हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का स्टिक सारांश हो, एक ही किताब में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। हमारी टीम आपको लेकर आई है 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक करीब 3,000 का क्वेश्चन बैंक है। इन दोनों किताबों को आप हमारी वेबसाइट elastedico.in से प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, नियमित रूप से कड़ी मेहनत करनी है, अच्छे से अपना एग्जामिनेशन देना है, रिटेन में अच्छा स्कोर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए दूसरा, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल JEE की जो वैकेंसीज थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और देखिए 222 पोस्टें सरकार यहाँ पे भरने के लिए जा रही है। और ये देखिए वैकेंसीज की बात यहाँ पे की जा रही है JEE जूनियर इंजीनियर की, इतनी वैकेंसीज लार्ज स्केल में वैकेंसी शायद ही आपको आने वाले समय में कभी देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये बात की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो बार बार कहते हैं कि कब क्या निकलेगा, क्या हो रहा है, देखिए वो एक्सक्यूज ही करते रहेंगे, जिनको नौकरी चाहिए वो ले लेंगे यहाँ पे, और जब तक उनकी बारी आएगी तब तक ये प्रमोट होकर अगली उसमें भी चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको नियमित रूप से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये कैंडिडेट्स के नाम है, और देखिए मेरिट का देखिए आप यहाँ पे इनके नंबर भी यहाँ पे बताया गया है, 57.47 वाला यहाँ पे देखिए इसमें आई थिंक क्वालिफाइड कैटेगरी में आए हुए है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं 61 है, तो आप सारे के सारे मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए इस PDF में आपका नाम तभी आता है जब
आपने कड़ी मेहनत की हो, आपके पास अच्छी किताबें हो, सही आपके पास अध्ययन सामग्री हो, तो उसके लिए हमारी टीम elitestudyco.in नियमित रूप से आपको विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा रही है। आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in को विजिट करते रहिएगा। तो यहाँ पे आप इन सभी कैंडिडेट्स के देखिए देख सकते जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके संबंध रखते हैं या आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल JEE के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए उनकी तैयारी करने की जो एक रूपरेखा है वो यहीं से तेज हो जाएगी। देखिए 71 मार्क्स भी यहाँ पे लिए गए हैं ईश्वेंद्र जी के द्वारा, काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस इन्होंने किया हुआ है। ठीक है जी, तो देखिए ये भी वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की, अच्छी किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज देखिए उनको यहाँ पे जॉब मिली। और देखिए एक और कैंडिडेट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 211 नंबर पे, अभिषेक कुमार राणा है, 71.20 मार्क्स इनके द्वारा लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस PDF में आपका नाम तभी आएगा जब आप नियमित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे, आपके पास अच्छे यूट्यूब चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए होंगे और आप नियमित रूप से पढ़ाई में विश्वास रखते हैं, फालतू की चीज़ों में आप अपना समय बर्बाद नहीं करते है। तो पुनः आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पे जाइएगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिलेगी और यहां से अपने लिए किताबें परचेज कीजिए, 2 से 3 बार इन किताबों का रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आपका भी अच्छा स्कोर होगा आने वाले समय में विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy YouTube चैनल।